नमस्कार, आप देख रहे हैं अंदेशक न्यूज़। अंदेशक न्यूज़ आपके संघर्ष का साथी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंदेशक न्यूज़ में। साथियों, यहां पर एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ है। क्या है वो ब्रेकिंग न्यूज़ जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। शुरू करते हैं साथियों आज की खास खबर अंदेशक न्यूज पर। 184 बच्चों को पढ़ा रहा है महज एक अंदेशक, अनदेखी। ये शिक्षा विभाग में एक ऐसा समाचार वायरल हो रहा है जिसे सुनकर और जानकर आप भी हैरान परेशान रह जाएंगे। 184 बच्चों को पढ़ा रहा है महज एक अनदेशक, ये हेडलाइन है। और ये समाचार पत्र अमृत विचार है, कुतुब नगर सीतापुर से। अनदेखी इसका ये कोना है, टाइटल है। इसमें हेडलाइन है साफ साफ, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। 184 बच्चों को पढ़ा रहा है महज एक अनदेशक। अनदेशक एक अनदेशिका है, ये अनदेशिका बहन है हमारी, और इनका नाम है सरोजनी, जो 184 बच्चों के भविष्य को तैयार करने में अकेली लगी हुई हैं। मैं विस्तार पूर्वक इस समाचार की तह तक जाता हूँ। जब पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, अक्सर ये स्लोगन विद्यालयों की दीवारों पर लिखे हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन मिश्रिक विकासखंड क्षेत्र के एक गांव है जिसमें मात्र एक अनदेशिका है जो 184 बच्चों को पढ़ा रही है। ना कोई सहायक अध्यापक ना ही प्रधानाध्यापक इस विद्यालय में तैनात है, सिर्फ एकमात्र अनुदेशिका तैनात की गई है। ददनामऊ एक गांव है जिसमें ये समस्या काफ़ी समय से, कह सकते हैं अप्रैल से लगातार बनी हुई है। अभिभावक फूलचंद यादव कहते हैं कि विद्यालयों में शिक्षकों का अभाव है। इनका इलाका हरदोई सीमा क्षेत्र के करीब होने के कारण बच्चों को कहीं और ले जाने में परेशानी होती है। ऐसे में यदि विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती हो जाए तो निश्चित रूप से शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा। एक और अभिभावक कहते हैं कि पिसावा मिश्रिक अत्यधिक दूर होने के कारण रोज़ाना बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं ले जाया जा सकता। अभिभावक राजकुमार जी का कहना है, एक अनदेशिका अकेले क्या क्या कर सकती है, ऐसे में अन्य शिक्षकों की भर्ती होना अति आवश्यक है। मेवालाल जी का कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़े इन इलाकों में अधिकतर तो शिक्षक इन दूर दराज के कारण नहीं आते हैं, ऐसे में बच्चों के लिए कौन पढ़ाएगा, बच्चों के भविष्य का सवाल बना हुआ है। गांव के लाल बहादुर, राजेश मौर्य और पृथ्वीपाल ने भी अपनी अपनी समस्याएं बताईं और कहा कि काफ़ी लंबे समय से बहन जी अकेली ही इन बच्चों को पढ़ा रही हैं और इनके भविष्य को संवारने की कोशिश कर रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार उच्च अधिकारियों से हमने शिकायत की है, उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, लेकिन समस्या अभी तक बरकरार बनी हुई है। अब जानते हैं अनदेशिका क्या कहती हैं। इन्होंने कहा है कि अप्रैल माह से यहाँ पर अध्यापक नहीं है, 184 बच्चे पंजीकृत हैं। इसकी सूचना ग्राम प्रधान एवं ग्रामीण द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों को दी गई है, लेकिन अभी तक समस्या का हल नहीं हो पाया है। अब जानते हैं वीएसए साहब क्या कहते हैं, दूर की जाएगी समस्या। वीएसए साहब का कहना है, अभी मामला संज्ञान में आया है, दिखवाता हूँ क्या समस्या है, अगर कोई दिक्कत है तो उसे निश्चित तौर पर अविलंब दूर किया जाएगा। अजीत कुमार, बीएसए सीतापुर। तो ये थी साथियों आज की खास खबर अंदेशक न्यूज़ पर, आप देख रहे थे। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, कोविड गाइडलाइंस का पालन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।